हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, हु वाज गिस्पी गारिबाल्डी एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ गिस्पी गारिबाल्डी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मेनली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ एवरी ईयर। गिस्पी गारिबाल्डी इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर। ही केम फ्राम फैमिली इंगेज्ड इन कोस्टल ट्रेड एंड वाज अ सेलर इन मर्चेंट नेवी। गिस्पी गारिबाल्डी का परिवार एक कोस्टल ट्रेड करता था और यह मर्चेंट नेवी में सेलर थे। इन 1833 ही मेट मजीनी, ज्वाइन द यंग इटली मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन अ रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिडमोंट इन 1834। और यह 1833 में मजीनी से मिलते हैं और यह यंग इटली ज्वाइन करते हैं। द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड एंड गारिबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका वेयर ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1848। और जो कि यह उस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इन्हें सप्रेस करती है, इन्हें दबाती है और गारिबाल्डी को अपना कंट्री इटली छोड़कर साउथ अमेरिका जाना पड़ा और लगभग वह 1848 तक अमेरिका में रहे। इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल सेकेंड इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स। और 1854 में वो फिर से वापस आए और किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड को सपोर्ट किए, क्योंकि विक्टर इमैनुअल भी चाहते थे कि इटली जो है वो एक यूनिफाइड स्टेट बने। इन 1860 गारिबाल्डी लीड द फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली। और 1860 में गारिबाल्डी जो है एक एक्सपेडिशन ऑफ 1000 टू साउथ इटली मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। फ्रेश वॉलेंटियर केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कंपेग्न और कुछ वॉलेंटियर्स भी ज्वाइन करते हैं टिल देयर नंबर्स ग्रू टू अबाउट 30,000 और लगभग इनकी जो संख्या थी वो 30,000 के आसपास थी। दे वेयर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स और इन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। इन 1867 गारिबाल्डी लीड एन आर्मी ऑफ वॉलेंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑफ टेस्टेकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और 1867 में गारिबाल्डी इस आर्मी के वॉलेंटियर्स को लीड करते और यह रोम पहुँचे। द पेपल स्टेट्स वेयर ऑफ फ्रांस गैरिएशन वॉज स्टेशन द रेड शर्ट्स प्रूव टू बी नो मैच फॉर कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल ट्रूप्स। और रोम जो है वो पेपल स्टेट का कैपिटल था, इसी कारण फ्रांस की कंबाइंड फोर्स और पेपल ट्रूप्स उसकी रक्षा करते थे। इट वॉज ओनली इन 1870 वेन ड्यूरिंग द वार विथ प्रसिया फ्रांस विदड्रॉ इट ट्रूप्स फ्रॉम रोम डेट द पेपल स्टेट्स वेयर फाइनली ज्वाइन टू इटली। 1870 में प्रसिया और फ्रांस के बीच एक वार हुआ, जिस प्रकार फ्रांस को आर्मी की कमी पड़ने पर वो पेपल स्टेट से अपने कंबाइंड फोर्स को वापस बुला लिया और जिस प्रकार पेपल ट्रूप्स को रेड शर्ट से ही मुकाबला करना था, रेड शर्ट जो हैं वो पेपल ट्रूप्स को हरा कर पेपल स्टेट्स को भी इटली में ज्वाइन किया। आइए हम ये फिगर 15 देखते हैं।